हत्या का मामला सर। आज प्रातः करीब 4 बजे फॉर्मर डीजीपी पंजाब श्री सुमेर सिंह सैनी एक वाहन में अपने दो अन्य साथियों के साथ, जिनमें से एक अपने आप को पुलिस के इंस्पेक्टर और दूसरे जो है एसआई बता रहे थे, गढ़ा मोड़ा पंजाब सीमा पर स्थित बैरियर पे आए तथा उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो जो है वो करसोग की तरफ जाना चाहते हैं जहां उनका बगीचा है, क्योंकि उनके पास कोई भी वैलिड पास नहीं था। इसलिए नाके पे जो है स्थित जो है हमारी नाका पार्टी है, उन्होंने उनको रोका तथा इस विषय में जो है वो एसटीपीओ नैना देवी को सूचना दी। इसके उपरांत जो है वो जो फॉर्मर डीजीपी हैं उन्होंने एसटीपीओ नैना देवी से बात की, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर से जो है वो संपर्क करके उन्हें सारी इस घटनाक्रम से अवगत करवाया। उसके उपरांत जो है वो फॉर्मर डीजीपी हैं उन्होंने एसपी साहब बिलासपुर से बात की तथा जाने की इजाज़त मांगी, क्योंकि उनके पास कोई भी वैलिड जो है वो पास नहीं था, परमिट नहीं था। इस वजह से जो सरकारी और प्रशासनिक निर्णय है उसके दृष्टिगत जो है वो उनको जो है वो जाने से इनकार किया गया, जिसके उपरांत जो है वो वापस वहाँ से हमारी सीमा से चले गए। लॉकडाउन के दृष्टिगत तथा जो वैश्विक महामारी है उसके दृष्टिगत जो है वो बिल्कुल सतर्कता जो है वो पंजाब सीमा पे बरती जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो जिसके पास कोई भी जो है वो वैलिड पास या परमिट नहीं है वो जो है वो नियमों का उल्लंघन ना करे। और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, ये जो है वो हमारे एसपी साहब ने जो है वो इसको दर्शा दिया है।